Hello everyone, this is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy, and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. Hi everyone, good morning, everybody good morning, jo bhi wait kar rahe hai, sabko good morning. How are you all this morning? I hope everybody is doing fine. Aaj 15th of July ka din hai, Thursday ka din, and I'm back again with the newspaper analysis session. This session happens every day from Monday to Saturday, 10:15 to 11 p.m. के बीच में, okay? So guys, yeah, Divyanshi, Sanvi, Avinash, Chaitali, Siddharth, everybody, good morning, guys, good morning. सो गाइज जैसे मैं रोज़ बताती हूँ आप लोग को दिस सेशन और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स स्पेशली अभी से जो सेशंस है 2022 एस्पिरेंट्स आपके लिए खास काम के हैं तो जितने भी 2022 एस्पिरेंट्स हैं प्लीज़ ज्वाइन कीजिए क्लास बिकॉज डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करके अपना करंट अफेयर्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी है सो सो गाइज आप लोग जो भी अटेंड कर रहे हो और जितने भी लोग 2022 एस्पिरेंट्स को जानते हो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जल्दी से शेयर अबाउट दिस क्लास विद देम आप खुद तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप रेगुलरली ये सेशन अटेंड कर सके बिकॉज आपको रेगुलरली अपना करंट अफेयर्स अपडेट करना ज़रूरी है एक साथ अक्यूमलेट करके यू कैन नॉट स्टडी करंट अफेयर्स इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन अक्यूमलेट एंड स्टडी लेटर इट्स नॉट दैट दिस सब्जेक्ट इज समथिंग यू नीड टू गिव एवरी डे योर टू आवर्स टाइम एक तो 45 मिनट्स मेरे सेशन कीजिए दूसरे का सेशन आप जीके का अटेंड कीजिए अन अकेडमी पे और मॉक टेस्ट क्विजेज दीजिए दो घंटे करंट अफेयर्स के पीछे रोज के डालने हैं एग्जाम तक तभी जाके आपका पीटन परफेक्ट करंट अफेयर्स होगा ठीक है तो ये 2022 एस्पिरेंट्स ध्यान रख लीजिए बिकॉज 2021 एस्पिरेंट्स ऑलमोस्ट 15-20 जुलाई तक का जानोगे ठीक है बट 2022 एस्पिरेंट्स अभी आप लोग को सभी को फोकस करना है इस पर एवरी डे बिकॉज 2022 एस्पिरेंट मैं तो बोलूँगी मई 2021 से लेके मई 2022 ये 12 महीने के पढ़ने हैं तो अभी से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो पहले के मई जून के रिकॉर्डिंग्स भी देख लो बहुत लेट मत करो अभी रिकॉर्डिंग देख लो फिर बोर्ड्स वगैरह आएगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा राइट तो चलो जल्दी से शेयर अबाउट दिस क्लास मैं एकदम ठीक हूँ थैंक्स फॉर आस्किंग अमराइजिंग वायरस एवरी सेशन स्टार्ट लेट मैम बेटा थोड़ा टेक्निकलिटीज भी इन्वॉल्व है इसमें व्हेन तो कभी कभी कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाता है कभी इंटरनेट इश्यू होता है कभी स्क्रीन का इश्यू होता है कभी स्ट्रीमिंग की का इश्यू कुछ ना कुछ और कभी मुझे लेट हो जाता है तो 5 मिनट लेट हुआ है बेटा 10:20 को स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा 5 मिनट तो आगे पीछे कभी होता है ठीक है ओके चलो पर ये सेशन हो रहा है आपके लिए दैट्स आई थिंक क्वाइट यूजफुल फॉर यू गाइज और जल्दी से शेयर अबाउट दिस क्लास तब तक मैं जल्दी से आपको मेरे बारे में बता देती हूँ गाइज आई एम निधि ध्रुव आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉज लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students and I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So yeah guys that's me. An Academy guys आपने अभी तक join नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए go to your Play Store फ़ोन के and An Academy Learning app download कीजिए और ये बढ़िया से features इसका एक एक word सही है trust my word. बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है आज के दिन में इतना ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पाएगा ठीक है तो ये आप ध्यान में रखिए पहले तो आपको क्या करना है अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए आपको एंटर करने के लिए कोड पूछेंगे यू कैन यूज़ माय कोड निधि लाइफ ठीक है एक बार आप ज्वाइन कर लो फिर आप फ्री वाली बहुत सारी क्लासेस है जिसको हम अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं तो वो स्पेशल क्लासेस आप देखिए ठीक है स्पेशल क्लासेस फ्री वाली सभी अलग अलग मेरी देखिए एंटर होने के बाद फिर दूसरे एडुकेटर्स की अलग अलग क्लासेस देखिए अगर ये क्लासेस देखने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं टीचिंग में दम है टीचिंग अच्छा है देन जाके आप सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप ये सारे बैचेस ज्वाइन कर पाओगे जिसमें आपका फुल्ली सिलेबस कंप्लीट होगा 2022 एस्पिरेंट 14 जुलाई से एक बैच स्टार्ट हुआ है आप बहुत लेट नहीं हुआ है कल से ही स्टार्ट हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिए क्लैट 2023 एस्पिरेंट असेंट 2 आपके लिए बैच चालू हुआ है जिसमें स्ट्रैटेजी डिस्कशन भी करवाएंगे देवेंद्र सर
2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स आपके लिए ये सारी ऑफर्स चल रही है जो सिर्फ आज तक वैलिड है, आज लास्ट डे है, तो मेक मोस्ट ऑफ इट गाइज. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड नीदी लाइव फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन दीज प्राइजेस. यू कैन सी द प्राइजेस, दीज आर ऑल्सो वेरी नॉमिनल. ओके, 12 महीने का, 24 महीने का प्राइस देखिए, पूरा एक साल प्रिपरेशन मिलता है और ऊपर से 10% डिस्काउंट, और उसमें भी 2 महीना फ्री 12 महीने के लेने पे. तो इट्स अमेजिंग ऑफर गाइज. टेस्ट फॉर द वीक चैंपियनशिप मॉक टेस्ट है, एवरी संडे को 10 बजे होता है, जिसमें 1st to 5 रैंक होल्डर्स को ये सारी बेनिफिट्स हैं. वीकली T20 टेस्ट होता है मंडे से फ्राइडे, अलग अलग सब्जेक्ट का 20 मार्क, 20 क्वेश्चन, 20 मिनट का टेस्ट है. रोज़ दिया कीजिए. दिस इज़ ओपन फॉर एवरी वन, लाइक इट्स अ फ्री टेस्ट, ठीक है. और आज थर्सडे का दिन है, और लीगल एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, लीगल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना है. टेस्ट फॉर द वीक ये कल होने वाली है, सब लोग टाइम निकाल लेना 4 से 5 बजे. अन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, 60 मिनट, 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन का टेस्ट है. क्लैक टॉप इंटरव्यू सैटरडे एंड संडे में होते रहते हैं अन अकेडमी क्लैक यूट्यूब चैनल पे, जहां आप मुझे अभी देख रहे हो, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए. उससे स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हो कैसे टॉपर्स ने क्रैक किया था. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी जल्दी से, सो दैट यू कैन वॉच द ऑल द इम्पॉर्टेंट सेशंस रेगुलरली. एंड कमेंट कर लीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है लास्ट में, एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा गाइज, ठीक है. चलो, एंड प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाइए लाइक एंड शेयर करके. मुझे पता है काफ़ी लोग डिसलाइक भी कर लेते हैं, पता नहीं क्यों. आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट आई कैन, एंड आई होप आप लोग भी सामने वो ही कीजिए. चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी से विद द सेशन. ओके, हर्ष बोलो ही मत, आ जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है. चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज 15th of July का दिन है, एंड आज कौन से इंपॉर्टेंट सेशन आपको जानने हैं मैं समझा देती हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है. कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए. तो आज ये वाला पहला आपका टॉपिक, हरियाणा, देखिए ये वाला सब वैक्सीनेशन का पेस बढ़ाओ ये वो, ये हमें नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं है. हमें एग्ज़ाम में जो भी काम लगेगा उतना ही पढ़ेंगे फटाफट. आज बहुत सारे गाइस, आप लोग बुक्स पेन रखना, लिखने भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने सारी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, तो हम फटाफट कवर करेंगे सबको. आप लोग बुक्स पेन रेडी रखिएगा, नोट्स भी बनानी है, जो भी मैं स्टार मार्क करूँगी उसके आपको नोट्स बनाने हैं. तो हरियाणा एक्सेस डेथ, तो हमने देखा अलग 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 स्टेट्स का एक्सेस डेथ्स आ रहा है, अलग अलग स्टेट में जो सेकेंड वेव में रिपोर्ट किया गया था उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस डेथ था, तो अंडर काउंट काफ़ी सारी हुई है डेथ्स. तो हरियाणा में भी ये हुआ है, हरियाणा का 7 times ऑफिशियल टोल से ज़्यादा डेथ्स था. आई मीन दिस इज़ जस्ट 2 मार्च. आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में, MP में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, हरियाणा में, केरला में, सब जगह पे कितना ज़्यादा, कितना एक्सेस डेथ्स, आप जस्ट देखिए, कुछ बहुत ही ज़्यादा है. तो एक्चुअली सेकेंड वेव में लोग बहुत ही ज़्यादा मरे हैं, देन वी सॉ एज द फिगर्स, लाइक फिगर्स भी बहुत डरावने ही थे. रोज़ के 4,000 डेथ्स हो रही थी, बट 4,000 नहीं थी एक्चुअली, हम बोले जाए तो 20-25,000 रोज़ की डेथ्स हो रही थी. और ये फिगर्स दिखा दे तो इंडिया का फुल बदनामी हो जाता है. तो आई एम श्योर लोगों ने छुपाने की ट्राई की है, और जो अभी निकल रही है धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है. एंड थैंकफुली अभी सेकेंड वेव थोड़ा कंट्रोल में आ गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे ये वाला है, आज सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है फॉर चैलेंजिंग सेडिशन. तो सेडिशन एक 124A ऑफ IPC में जो सेक्शन है, पूरे साल हमने ये देखा है 2021 एस्पिरेंट, आप लोग को पूछेंगे इसका क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बिकॉज सेडिशन की इतनी ज़्यादा न्यूज़ हमने देखी है. आए दिन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं ऑन जर्नलिस्ट एंड ऑन नॉर्मल एक्टिविस्ट ऑल्सो. तो अभी जो रिसेंटली जून में डिसीजन आया था, मिस्टर विनोद दुआ जर्नलिस्ट थे जो बिहार के केस का आया था,
तो उसमें डिसीजन दिया गया था कि नहीं, ही इज़ नॉट लायबल फॉर सेडिशन, और उनको फ्री किया गया था, उनके अगेंस्ट एक्विटल ऑर्डर पास किया गया था. तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमें ज़रूरत लग रहा है कि इसको हमें री एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन सही से बिठाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं. पर डिटेल में उस टाइम पे इंटरप्रिटेशन नहीं किया था उन्होंने. सो नाउ देर इज़ अ पिटिशन फाइल्ड दैट ये जो केदारनाथ जजमेंट है ना, जिसमें सेडिशन को अपहेल्ड किया गया है, इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, ये पिटिशनर ने बोला है. और उसके रीजंस भी बताया, मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, इधर देखिए आप साथ साथ में पढ़िएगा. देखिए सेडिशन सेक्शन, देखिए मैं पहले तो ये बता दूँ, आईपीसी इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड एक्ट. इट वॉज मेड इन 1860s, ओके, ब्रिटिशर्स के टाइम पे. अभी ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम गुलाम थे उनके, आप समझ रहे हो, वी वर अंडर देयर रूल. नाउ देर इज़ अ डेमोक्रेसी इन आर कंट्री. तो दो अलग सिनारियो है, वी के नॉट स्टिल कंटिन्यू विद द सेम. 75 ईयर्स होने आए हैं अभी इंडिपेंडेंस का, ये साल 75th ईयर है, और फिर भी सेडिशन सेक्शन चल रहा है. ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स डिड नॉट वॉन्ट अस टू हैव अ फ्रीडम, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, हमारे पास फ्रीडम तो होना है, राइट. तो फिर भी ये कैसे जजमेंट अभी भी चलाया जा रहा है, आप अभी भी ये सेक्शन को चला रहे हो. सेडिशन में तभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए ऐसे सेक्शन डाले थे. अभी तो डेमोक्रेसी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गारंटी किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो वाई दिस सेक्शन, ठीक है, ये इतना पुराना लॉ है, उसको अभी वापस रीथिंक ये ज़माने में करने की ज़रूरत है. और इधर एक एज अ एग्जांपल, एज अ प्रेसिडेंट भी बोला है कि जिस तरीके से पहले के टाइम में आप यू नो सेम सेक्स मैरिज और होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ नहीं करते थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी डिसीजन पास किया है कि होमोसेक्सुअलिटी सबका खुद का चॉइस है, राइट है, इसमें किसी को इंटरफियर नहीं करना है. तो ऐसे जजमेंट अगर पास कर सकते हैं तो ऑफकोर्स सेडिशन में भी के रिगार्डिंग भी पास कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई है जो आज उसका हियरिंग होने वाला है. लेट्स सी क्या डिसीजन आता है. इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी, एंड इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज टू नो फॉर योर एग्जाम्स. तो आज तो अभी सुनवाई होने वाली है, क्या डिसीजन आएगा हम लोग देखेंगे. मीनवाइल आप लोग को जो मैंने हाईलाइट करके इधर दिखाया है, प्लीज़ रीड कीजिए साथ साथ में. मैंने आपको ओरली तो पूरा ये समझाया है, एक बार आप भी खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. गिविंग यू 1 मिनट टाइम, जल्दी से ये वाला मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पढ़ लीजिए. ठीक है, पहले सी चेंज वाला, फिर ये साइड का, राइट साइड का कॉलम में पढ़ने के लिए स्क्रोल करती हूँ. यस दैट्स राइट हिमांशी. हर्षी सिंह मैम आज न्यूज़पेपर कहाँ से लेते हो. आज मतलब रोज़ ई पेपर है बेटा, आज हैदराबाद वाला एडिशन है मेरा. ओके चैताली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आई होप एवरीबडी रेड दिस. चलो अच्छा, अच्छे से रीड कर लो इस पार्ट को सब लोग. आज इसकी सुनवाई होने वाली है, एंड द वॉट एवर डिसीजन, आई एम श्योर सेडिशन को रिमूव करने के लिए डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, या तो उसको बहुत ही ज़्यादा माइल्ड बनाया दिया जाएगा, जिससे आए दिन जिस तरीके से गवर्नमेंट और पुलिस स्लैप करती है ये केसेस जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को, ऐसा नहीं होगा. तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव आउटकम तो आएगा ही आएगा लग रहा है. ठीक है, चलो क्लियर एवरीबडी. नेक्स्ट देखेंगे सी एससीओ समिट हुआ है, शांघाई कोऑपरेशन समिट मीट जो हुआ है, उसमें मिस्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अफगानिस्तान फ्यूचर के नॉट बी इट्स पास्ट. तो जो पास्ट में होते आया है अफगानिस्तान में, ये फ्यूचर में नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, हम ये होने नहीं दे सकते हैं. World won't legitimate Taliban regime if it takes power by force, he says at SEO meet. तो जयशंकर जी ने बताया है कि अगर वो फोर्सफुली वायलेंस के थ्रू अगर अपन कैप्चर करेंगे पूरा अफगानिस्तान, तो वर्ल्ड हम उसको मानेंगे नहीं एज अ गवर्नमेंट.
क्योंकि अभी जब भी उनके बीच में सेटलमेंट करवाने की ट्राई की जा रही थी, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबानी साथ में मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करें ऐसा डिसीजन लाना चाहते थे। बट अगर वो लोग फोर्सफुली ले रहे हैं, पूरा कैप्चर कर रहे हैं, तो हम उसको लेजिटिमाइज कोई भी कंट्रीज नहीं मानेगी। ये आफ्टर SCO मीट, ये डिस्कशन होने के बाद मिस्टर एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट है। तो ये डुशनबे में ये हुआ मीटिंग, SCO मीट, एंड वहाँ ये बातचीत हुई। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस वन, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी अप्रूव्ड। तो एक नया पॉलिसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट ने, यूनियन मिनिस्टर्स की कैबिनेट ने वेनसडे को अप्रूव किया है, दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड अभी हम लोग ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ग्रो करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्टार्ट करने के लिए ये फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई गई है। देखिए मैं आपको साथ साथ में अंडरलाइन करके बताती हूँ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन एवरी ईयर। इन द फर्स्ट फेज क्या करेंगे, 10 फूड प्रोसेसिंग जोन्स बनाएंगे 500 से 1000 एकड़ की लैंड्स पे, अप टू 10,000 एकर्स 2024-25 तक बना लेंगे। एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप यूनिट, वहाँ पे वो जोन्स में उनको अगर अपने यूनिट डालने हैं, उनको कुछ इंसेंटिव भी दिए जाएंगे इस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट विल अक्वायर लैंड फॉर द जोन्स, गवर्नमेंट खुद ही अक्वायर करेगी ये लैंड के लिए, और जिसने भी अप्लाई किया है उनको फिर अलॉट करेगी फॉर ग्रोइंग द यू नो एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड ऑल। 25,000 करोड़ का ये खर्चा होने वाला है इसमें, एंड 70,000 पीपल आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन दिस। इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉलिसी, एंड इनडायरेक्ट फॉर अनदर 3 लाख पीपल इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है इसमें। इसमें क्या क्या चालू किया जाएगा ये आप पार्ट पढ़िए। राइस मिल्स, एंसिलरी यूनिट्स ऑफ राइस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वर प्रपोज्ड टू बी सैंक्शनड जोन इन द जोन्स। अब बफर जोन अप टू 500 मीटर्स रखा जाएगा, जिसमें कोई भी रेसिडेंशियल एरिया नहीं होगा, सिर्फ ये यही पर्पस के लिए होगा। तो दिस इज़ द थिंग। ये पूरा जितना मैंने हाईलाइट किया है आपको लिखना है ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये सारी ये चीज़ लिखनी है, ये वाला नहीं लिखना है गाइज। इसका जब भी डिसीजन आएगा ना तभी लिखेंगे, क्वाइट इम्पॉर्टेंट एनी वेज, बट इसका जब भी डिसीजन आएगा ना तभी हम लिखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कौन से और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके जय श्री। कोई नहीं बेटा, बाद में जब भी आपका नेट अच्छा है देख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम काशिश। वंशी सिंह, जुपाड़ी, जुपाड़ी मीन्स या पुटिंग इन अ प्रॉब्लम। आयुषी इज आस्किंग व्हाट इज इंट्रांटिसिपेशन। इन sorry it's in anticipation and so they are planning to increase employment, does that mean that less technology will be used? Yeah, job zyada create karenge, but main focus employment ka nahi hai isme, main focus unka food processing hai, aapko pata hi hai food processing policy naam rakha hai, to unka food processing is going to be the main motive, theek hai। काशिश इज आस्किंग मैम वॉट इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम, वॉट अदर कोर्सेज कैन आई डू अलॉन्ग विद द क्लैट विच विल बी यूजफुल इन द फ्यूचर एज अ लॉयर। अलॉन्ग विद लॉ यू कैन डेफिनेटली, आई हैव डन CS। आपको अगर कॉरपोरेट लॉ प्रैक्टिस करना है तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आप पढ़ सकते हो वो। उसके साथ साथ देखिए अभी तो ज़माना है, एक या दो डिग्री का तो कुछ ट्रेंडी नहीं है, 3-4 डिग्री लोग लेते हैं मिनिमम, ऐसा हो गया अभी। तो डेफिनेटली इसके साथ साथ आप लोग को अगर साइबर लॉ, विच इज़ ऑल्सो वेरी अपकमिंग, मैंने खुद ने भी इसका डिप्लोमा किया था व्हेन आई वाज इन GLC, तो एशियन लॉ स्कूल से ये होता है जो पुणे बेस्ड है, साइबर लॉ।
इधर ये होता था, आई नो उसकी दूसरी भी काफ़ी फैसिलिटीज़ होंगी, आप सर्च कर सकते हो. तो साइबर लॉ इज़ ऑल्सो वेरी अपकमिंग थिंग, वो कर सकते हो. IPR में अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वाले में, वो भी बहुत अच्छा फील्ड है, तो उसके डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो. तो ये सब है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ. ये वाला एक देखेंगे, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर निज़ामाबाद डॉक्टर. तो सिंस आज हैदराबाद वाला लिया है, आपको ये वाला थोड़ा दिखेगा न्यूज़. तो निज़ामाबाद के एक डॉक्टर को बहुत अच्छे से सर्विस देने के लिए ये डॉक्टर प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल दिया गया है बाय द गवर्नर ऑफ तेलंगाना. तो ये ध्यान में रखना है आपको. एक मैंने हाईलाइट द किया हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, मैं जूम करके दिखाती हूँ. सो गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज मेडल एंड सर्टिफिकेट टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी निज़ामाबाद चेयरमैन नीली रामचंदर एट अ स्पेशल फंक्शन हेल्ड एट राजभवन. ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये लिखना है, मैंने स्टार मार्क किया है. देन सीनियर कपल, देख सकते हो आप पिक्चर उनका, फिलिंग पोर्ट होल्स, वॉट इज़ GHMC डूइंग, हाईकोर्ट ने पूछा, तेलंगाना के हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर सीनियर कपल्स आर फिलिंग पोर्ट होल्स, देन GHMC एग्जैक्टली क्या कर रहा था अभी तक. हाईकोर्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और इनके इनको अगेन इनको भी एक फेलिसिटेट किया गया है. तमिलसाई सौंदरराजन जो गवर्नर है तेलंगाना की, उन्होंने इनको भी फेलिसिटेट किया है, ये सीनियर कपल को, फॉर डूइंग दिस. बट हाईकोर्ट ने एक अग्रेसिवली क्वेश्चन पूछा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है यहाँ का, अगर ये सीनियर कपल ही पोर्ट होल्स भर रहे हैं तो. ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग. एंड रोड डॉक्टर फेलिसिटेटेड, ऐसे करके इधर लिखा गया है. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम आगे देखेंगे. देर इज़ अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन सिंस क्वाइट लॉन्ग टाइम, हमने आगे भी इसका पहले एक बार न्यूज़ देखा था, बट अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है, दैट इज़ वाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तेलंगाना. तो इट वॉज ब्लेम्ड बाय आंध्र प्रदेश अर्लियर ऑल्सो दैट कृष्णा रिवर का जो पानी है इलीगली तेलंगाना यूज़ कर रहा है इसे, और आंध्र प्रदेश के लोगों को, सिटीजन्स को, उसको यूज़ करने को नहीं मिल रहा है. ये प्रॉब्लम है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, इस पर्पज़ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई है. अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, लिखना नहीं है, बिकॉज जब भी इसका डिसीजन आएगा प्रॉपर तभी आपको लिखना है, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, तो इसका डिसीजन कुछ आता है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट होती है तभी लिखना है, पर अभी सब ध्यान में रखिए कि ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये आप लिख सकते हो, इट्स अ स्टैटिक GK फैक्ट. इंडियाज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे गेट्स ग्लोबल एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो 15 जुलाई आज का दिन नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, ये एक्सेप्टेंस हो गया है. मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो आप लोग सब, प्लीज लिखिएगा गाइज ये वाला न्यूज. नो प्रॉब्लम मिस राजपूत, रिकॉर्डिंग अवेलेबल बेटा होता ही, आप कर सकते हो. ओके, लॉट ऑफ कमेंट्स आर पोरिंग इन, आप ये पढ़िए तब तक मैं सबको आंसर दे देती हूँ ये चीज का. पॉट होल्स मतलब खड्डे, रास्ते में जो खड्डे होते हैं. राम किशोर सिंह इज सेइंग, मैम दिस इज माय फर्स्ट क्लास, प्लीज टेल मी टाइमिंग ऑफ दिस क्लास. इट राम किशोर, इट हैपेंस एवरी डे फ्रॉम 10:15 टू 11 दिस क्लास. न्यूज़पेपर एनालिसिस मंडे टू सैटरडे रोज करवाती हूँ. करंट अफेयर्स रोज अपडेट करना जरूरी है. सारे 2022 एस्पिरेंट सुन लीजिए, अभी से आपको रोज ही अपडेट करना जरूरी है. तो आपको राम किशोर सिंह बता दूँ, मंडे से सैटरडे 10:15 टू 11 रोज ये क्लास होती है. ठीक है, बिशागज मैम इट विल बी सेलिब्रेटेड ग्लोबली या वर्ल्ड लेवल पे, वैसे तो है, देखिए आप पढ़ सकते हो.
the concept of observing July 15 as National Plastic Surgery Day in India has been adopted by the leaders of top bodies in the specialty across the globe as World Plastic Surgery Day. तो वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के तौर पे तो करना था, तो पर इंडिया वाले नहीं मान रहे थे, इंडिया भी अभी मान चुके हैं, वैसा बात है. ठीक है, अभिषेक सिंह, मैम दिल्ली एडिशन में ये न्यूज़ नहीं है. विच वन यू आर सेइंग, विच न्यूज़ इज नॉट देयर? ओके जयश्री, आपका नेट इश्यू है इसलिए रिफ्रेश कीजिए, प्रॉपर दिखेगा आपको. ठीक है, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ेंगे. अभी एक बड़ा चेंज आया है इसमें, ये वाले केस में गाइस. इसरो पुलिस फ्रेमअप केस टेक्स अ क्यूरियस टर्न. नाम भी ना रहा है, जो इसरो के साइंटिस्ट थे उनके खिलाफ केरला के पुलिस ने ऐसी यू नो उनको ब्लेम किया था, एक्यूजेशंस किए थे कि उन्होंने पाकिस्तान को हमारी जो स्पेस की इंफॉर्मेशन होती है वो लीक की है, जो कि गलत थी. नाम भी ना रहा, इनको फिर नॉन गिल्टी भी डिक्लेयर कर दिया गया. अभी वो पुलिस ऑफिसर्स को के खिलाफ केस चल रहा है इसके लिए, तो उसमें एक बड़ा टर्न आया है. जो काउंसिल है पुलिस को जो डिफेंड कर रहे हैं वो काउंसिल ने ये एलिगेशन अभी डाले हैं नाम्बी नारायण पे कि देर वॉज अ लैंड डील हैपेंड बिटवीन मिस्टर नाम्बी नारायण एंड द प्रोब ऑफिसर्स. मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सीबीआई के ऑफिसर्स, उनके बीच में और मिस्टर नाम्बी नारायण के बीच में देर वॉज अ डील, एक लैंड डील हुआ था, तो जिसके वजह से ऑफकोर्स उनके फेवर में सारी चीज़ें चली गई. तो ये तो बहुत ही एकदम ट्विस्ट आ गया है, जिससे पूरा बायस हो सकती है सीबीआई, ये पता चल रहा है, राइट? तो ये ध्यान में रखना है आपको. सी दिस काउंसिल सेड फॉर टू रिटायर्ड पुलिसमैन सेड अक्यूज्ड इन पुलिस फ्रेमअप केस सबमिटेड डिटेल्स ऑफ व्हाट क्लेम द लैंड ट्रांजैक्शन बिटवीन मिस्टर नारायण and wife of former senior Kerala police officer, a former CBI investigation joint director, an official of Oil and Natural Gas Corporation and some persons who were suspected to be the relatives of certain officers in the administration of justice. इनके बीच में land deal हुई है, ऐसा बाहर आया है. तो this is a very very like curious kind of turn and a very interesting kind of a turn, जिससे पूरी बात पूरा केस पलट सकता है. तो let's see आगे क्या होता है, ये एक अपडेट, इसका ध्यान में रखना है. मैं किसको स्टार मार्क कर रही हूँ लिख लेना गाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी और है देखते हैं. नाउ लेट इज स्टार्ट विद द एडिटोरियल पार्ट. एडिटोरियल पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं. आज दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक एडिटोरियल भी और एक लीड सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको दोनों अच्छे से पढ़वाती हूँ. अब जूम कर लेती हूँ एक सेकेंड आपके लिए. शोइंग द वे आउट, नेपाल हैज़ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्स मिस्टर ओली अगेन. हमने तीन चार दिन से हम लोग ये वाली न्यूज़ देख रहे हैं, मंडे से लेके अभी तक, कि मिस्टर केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, सेइंग दैट मिस्टर शेर बहादुर दुबा विल बी अ नेक्स्ट पीएम, विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ द नेपाल. एंड वो बन चुके हैं, उनका स्वेयरिंग इन भी हो चुका है. तो ये हुआ, ये क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारा चीज़ इधर समझाया गया. इसका मैंने थोड़ा हिस्ट्री तो पहले भी आपको समझाया गया, पर ये एक डेजा वू मोमेंट हो गया बोला जा रहा है. बिकॉज फरवरी में भी, दिसंबर 2020 में जब ही हाउस डिसॉल्व किया था केपी शर्मा ओली ने, उनका पार्लियामेंट जो डिसॉल्व किया था फरवरी 2021 में, वापस उसको रीइंस्टेट करने का एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, बराबर. उसके बाद आप साथ साथ में देखते जाना, इधर मैं आपको ओरली पूरा समझा रही हूँ. उसके बाद वापस उन्होंने मई 2020 में डिसॉल्व किया पार्लियामेंट, तो वापस अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रीइंस्टेट करना है. बट उस टाइम उनको थ्रो अवे नहीं किया था, ये बार रीइंस्टेट करने के साथ साथ ये डिसीजन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ही इज़ गोइंग टू बी आउट नाउ एंड के शेर बहादुर दुबा विल बी द नेक्स्ट पीएम. सो विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट का भी पूरा ऑर्डर कैंसिल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका क्या रोल अभी विद्या देवी भंडारी का, उनका जो
मतलब जो रोल है वो भी क्वेश्चन में आ गया है, उन पे भी अभी उंगलियां उठेगी। तो ये सारी सिचुएशन अभी नेपाल में हो गई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये सारा चीज़ आप साथ साथ में देख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है ना, पहले भी ट्रस्ट वोट रखा गया था अगेन लाइक इन फेवर ऑफ केपी शर्मा ओली, बट वो जीते नहीं वो ट्रस्ट वोट। तो जो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है इंडिया में, वैसे ही वहाँ पे भी रखा जाता है। तो केपी शर्मा ओली की फेवर में वो डिसीजन नहीं आया जो ट्रस्ट वोट रखा गया था, ना ही एक बार शेर बहादुर द्यूबा के लिए भी रखा गया था, वो भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज उनकी जो मल्टीपल पार्टीज़ है पार्लियामेंट में वो बटी हुई है, कुछ फेवर करी के पी शर्मा ओली को, कुछ फेवर करी शेर बहादुर द्यूबा को। तो इसके वजह से कोई भी पर्सन वोट मतलब कोई भी एक जन के फेवर में ट्रस्ट वोट नहीं हो पा रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में ये बता दिया, देखिए एक सेकेंड में अंडरलाइन करके बताती हूँ। इट अलाउड इंडिविजुअल लॉ मेकर्स टू इग्नोर देयर पार्टी विप्स, मतलब उनकी पार्टी क्या, इधर भी कैसे है एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्टी जो बोले उसके अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ इधर बता दिया है कि आपकी पार्टी जो भी वोट्स दे, आप हर इंडिविजुअल लॉ मेकर्स मतलब इंडिविजुअल पार्लियामेंट पर्सन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट ऑन देयर ओन। तो अलग 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 लोग सभी अपने आप वोट कर सकते हो एंड मेक श्योर कि मिस्टर द्यूबा जीत जाए, क्योंकि उन्होंने ही पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था ऑपोजिशन पार्टी ने। तो ये करके सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला ही पलट दिया है एंड केपी शर्मा ओली को हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पूरा अच्छे से, एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक बार रीड करना, हाईलाइट करके भी आपको दिया हुआ है इधर, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वंस प्रॉपरली, मैंने पूरा आपको एक बार अच्छे से समझाया तो है ही ये, ठीक है। एक बार अच्छे से रीड करना है होमवर्क में घर पे, एंड ये वाला मैटर ज़रा लिखना भी है आपको एग्ज़ाम में 2021 और 2022 एस्पिरेंट सभी को ये काम लगने वाला है, ठीक है। प्लीज़ लिखना ये पूरा जितना हाईलाइट किया है सब कुछ। नेक्स्ट इज 5 ईयर लेटर ब्रेग्जिट कंटिन्यूज टू डिवाइड, मतलब ब्रिटेन जो जिन्होंने एग्जिट लिया यूरोपियन यूनियन से, उसको ब्रेग्जिट बोलते हैं, जिसको भी पहले तो ब्रेग्जिट नहीं पता है वो समझा दो। तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था ब्रिटेन सिंस 50 ईयर्स ऑलमोस्ट, और उसके बाद अभी उन्होंने एग्जिट लिया, और ये एग्जिट लेना ज़रा भी अच्छा मूव नहीं था। सारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि अच्छा मूव नहीं था। तो ये आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि 5 ईयर्स हो गए ब्रेग्जिट का डिसीजन पहले लेते हुए, ऑफकोर्स प्रोसीजर होने में टाइम लगा, और अभी वो लोग को पता चल रहा है कि कितना इकोनॉमी उनका लॉस हो रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है उनको, ट्रेड्स में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, मैंने सारा हाईलाइट करके आपके लिए रखा है, आपको ये भी एक बार पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सब लोग के कमेंट्स हैं काफ़ी सारे, दिव्यांशी सिंह मैम लखनऊ नॉर्दर्न एडिशन में ये सब न्यूज़ नहीं है। कौन से न्यूज़ नहीं है बेटा, ये एडिटोरियल पेज तो होता ही है। ऑफकोर्स देखिए एडिशन वाइज थोड़े तो डिफर करेंगे ही करेंगे न्यूज़, आप लोग मुझे मत बताइए ये वाली नहीं है ये वाली है, आप लोग को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको जाननी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे जो एडिशन में परफेक्ट लगता है वो मैं लेके आती हूँ, ठीक है। हर स्टेट की हर सिटी की अपनी एडिशन के हिसाब से उनके खास न्यूज़ तो दिए जाएंगे, लाइक लखनऊ के खुद के न्यूज़ दिए जाएंगे, दिल्ली के खुद के, पर आप लोग नेशनल लेवल एग्ज़ाम कर रहे हो, मैं भी आपको वैसे ही न्यूज़ करवा रही हूँ। अगर कोई स्टेट का भी एडिशन करवा रही हूँ ना, तो आपको वैसे ही न्यूज़ करवा रही हूँ जो आपको नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। कोई स्टेट के स्पेसिफिक तो मैं करवा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी मेरे को कंप्लेन नहीं करनी है कि ये एडिशन में है ये है नहीं वो नहीं है, मैं आपको जो करा रही हूँ क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग क्लैट के फोकस से पढ़िए, ठीक है। एंड येस डेफिनेटली आप अपनी स्टेट वाली एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो अपने स्टेट का भी एडिशन का एक्स्ट्रा जो न्यूज़ है वो साथ में पढ़ सकते हो, बट मैं ये ओवरऑल सारे इंडिया वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ प्लस क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करा रही हूँ, तो नेशनल वाले सारे न्यूज़ कवर कर रही हूँ। समझ में आ गया सबको? ओके ओके स्वाति, इट्स यू, राइट राइट स्वाति, ओके आई गॉट इट।
करंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटेजी की सेम फॉर एवरी एग्जाम, ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी एग्जाम, बट जस्ट अगर से फॉर एग्जाम्पल MHCET है तो महाराष्ट्र वाले जो न्यूज़ है, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट्स वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट लगभग वो भी 2-5 मार्क के लिए, बट ऑलमोस्ट मेजर पार्ट हम देखें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ही न्यूज़ पूछते हैं, स्टेट वाले खुद के स्पेसिफिक बहुत कम, खुद के अभी DULLB है या MHCET है, तो DULLB में दिल्ली वाले थोड़े 2-5 मार्क के अलग से पूछेंगे, MHCET में 2-5 मार्क के इसके, पर ओवरऑल आपको मेजॉरिटी मार्क्स नेशनल लेवल के न्यूज़ और इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़ पूछेंगे। यस जयश्री, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लाइव लॉ जजमेंट, लाइव बार एंड बेंच एक अच्छा है जिसमें आप केसेस पढ़ सकते हो, बट अमरा अभी आपको ये लेवल पे इतने केसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जजमेंट्स जो आते हैं न्यूज़पेपर में उसका जो नॉलेज है ना उतने ही लेवल का आपको इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा LLB स्टूडेंट्स और लॉ जिसे पास कर दिया वो एंगल से दिए जाते हैं, तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी ठीक है, पर पढ़ना भी है तो बार एंड बेंच आपके लिए एक अच्छा वेबसाइट है, एंड लाइव लॉ भी एक अच्छा है। सानी जी मैम, बट ड्यूरिंग द प्रोब वॉज ही अलाउड टू वर्क विद इसरो, आई मीन इन कस्टडी ऑल्सो एज इट इट इज़ अ केस ऑफ इसरो विच एजेंसी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोब, CBI वॉज इन्वॉल्व बेटा, अर्लियर केरला ने अरेस्ट कर लिया पर बाद में CBI इंटरवीन किया था। नहीं, ब्रेग्जिट वाला लिखना नहीं है ये, एक बार सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, मैंने जितना हाईलाइट किया है ना उसको एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि ब्रेग्जिट वैसे तो पुराना मामला हो गया है, बट अभी भी इसके रिगार्डिंग थोड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि अभी कोविड में वो लोग काफ़ी इकोनॉमी उनका लॉस हो रहा है, तो मैंने जितना हाईलाइट किया ना एक बार सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करना है, क्यों इसीलिए मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे और भी न्यूज़ करवाने हैं। ठीक है, यस एग्जैक्टली, आई विल बी शेयरिंग द न्यूज़पेपर, कीप योर एडिशन असाइड बिकॉज मैं रोज़ अलग अलग एडिशन लाती हूँ, तो रोज़ किसी ना किसी एडिशन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ले ही लेती हूँ, तो आपको ओवरऑल मैक्सिमम मैं बेस्ट ट्राई करती हूँ, 95% तो ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता है मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, लीड सेक्शन में ये वाला ब्रेग्जिट और एडिटोरियल में वो नेपाल वाला, वो दो ही आज इंपॉर्टेंट है ये पेज से। ओके सो गाइज, आप लोगों को एडिटोरियल भी मैंने समझाया और अभी तक के भी काफ़ी सारे न्यूज़ समझाए, अगर अच्छा लगा है, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिए, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग अटेंड कर रहे हो, बट थोड़ा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन लीजिए गाइज। चलो आगे मैं इंपॉर्टेंट कौन से और न्यूज़ है देखते हैं, बहुत सारे आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइज, बहुत सारा कवर करवाना है आपको। देखिए, 3 मिलिटेंट्स किल्ड इन पुलवामा, तो पुलवामा में वापस 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, एक तो लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट ही था। ठीक है, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ध्यान में रखना है, हेडलाइन नॉट मच इन डिटेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे ये आपको लिखनी है गाइस, ये वाली न्यूज़ लिखनी है, स्टार मार्क कर रही हूँ। परमानेंट कमीशन फॉर 147 वुमेन ऑफिसर्स, सो आर्मी ग्रांटेड टू 424 वुमेन सिंस 2020। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया था इन 2020 जिसमें परमानेंट कमीशन आर्मी ऑफिसर्स में वुमेन को परमानेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी पहले। परमानेंट कमीशन में आफ्टर 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आर्मी ने 424 जितनी वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन में इंक्लूड किया था, अनदर 147 वुमेन ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड, नाउ द टोटल ऑफ 615 ऑफिसर्स आर देयर इन द परमानेंट कमीशन ऑफ आर्मी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, इतना जितना मैंने अंडरलाइन किया और हाईलाइट किया है ये लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज मोदी एंड मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, आई होप आप सबको पता है मालदीव्स के प्रेसिडेंट इज इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये मोदी और मालदीवियन प्रेसिडेंट ने टॉक्स रखी थी, ये कन्वर्सेशन खास करके तो ये इसके बाद रखा गया बिकॉज इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था कहीं ना कहीं मालदीव्स में, क्योंकि इंडिया को हर डील से बाहर किया जा रहा था, ये टेंशन्स के बाद विद इन रूलिंग MDP जो उनकी पार्टी थी वहाँ की, उसमें जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा था बिकॉज हमारा सेकेंड वेव आया उसके बाद खास करके ये प्रॉब्लम था, तो उसके बाद मोदी ने ज़रूरी समझा कि मालदीव्स के साथ अच्छे टाइप्स करें, तो मोदी मालदीवियन प्रेसिडेंट का टॉक्स हुआ इसके बाद, ये ध्यान में रखना है, स्टार मार्क कर रही हूँ लिखना गाइस।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज दिस, बड़ा न्यूज है, स्टार मार्क कर रही हूँ, अगेन इम्पॉर्टेंट है, तालिबान सीज बॉर्डर क्रॉसिंग विद पाक. तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, तालिबान ने उसको सीज कर लिया है. कोई पाकिस्तानी अभी इधर नहीं आ सकता अफगानिस्तान में, अफगानिस्तानी पाकिस्तान में भाग के नहीं जा सकते हैं. ये बॉर्डर सीज कर लिया है. ये बहुत बड़े प्रॉब्लम के तरफ जा रहा है अफगानिस्तान. पता नहीं अभी क्या होगा. इधर बोला जा रहा है स्पिन बॉलडैक इज द लेटेस्ट इन अ स्टरिंग ऑफ A string of border crossing and dry ports taken by Taliban in recent weeks. तो ये जो हुआ है ये recent weeks में पाकिस्तान वाला border भी उन्होंने capture कर लिया है. Pull out is a mistake, says George Bush. Earlier former president of US जो थे George Bush, उनका बोलना है कि ये pull out जो था US के troops को निकाल देना, ये बहुत बड़ा mistake था. 20 साल तक वहाँ रहे, चीज़ें तो भी ठीक चल रही थी. अभी इतनी तबाही हो रही है, इतनी कैप्चर कर रहे हैं तालिबानी, तो ये पुल आउट के बाद तुरंत ये चालू हो गया है. ये बहुत बड़ा मिस्टेक था. अनदर ट्रैजिक इवेंट, पर एक सिर्फ ऊपर से ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना नहीं है. 12 किल्ड इन पाकिस्तान बस ब्लास्ट इंक्लूडिंग 9 चाइनीज. चाइना इसको बॉम्ब अटैक बोल रहा है पाकिस्तान को ब्लेम करते हुए, जबकि पाकिस्तान बोल रहा है कि इट वॉज जस्ट अ गैस लीक. बस में गैस लीक होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, कोई बॉम्ब अटैक नहीं था ये. ठीक है, तो ये चीज़ है, चाइना और पाकिस्तान का थोड़ा ये टिफ हुआ, इसके वजह से मैं ये न्यूज़ लेके आई हूँ. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बट लिखना नहीं है ये वाला आगे. एंड या वी आर डन विथ ऑलमोस्ट ऑल दी न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़. आज बिजनेस न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ में कोई भी न्यूज़ नहीं करनी है हमें. सो मैंने आज के दिन की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर ली है. ठीक है गाइज, अभी और एक बात मैं बताना चाहूँगी. आज 2022 एस्पिरेंट्स, मुझे पता है ये सेशन काफ़ी 2022 एस्पिरेंट्स देख रहे हो आप, आपके लिए अभी के सारे बैचेस अभी आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से चालू हो गए हैं गाइस. मेरी स्पेशल क्लास, मेरी जो प्लस क्लासेस भी है, मैंने 2022 एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चालू कर दी है. तो आप लोग रेगुलरली मेरा टेलीग्राम चैनल पहले तो फॉलो कीजिए. माय टेलीग्राम चैनल्स नेम इज़ निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर. मेरा नाम निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर, ये नाम से पब्लिक चैनल है, सर्च कीजिए, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए. 2022 एस्पिरेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो स्पेशल क्लास हो रही है फ्री वाली, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. लॉट ऑफ प्लस क्लासेस आल्सो आई कंडक्ट फॉर अभी 2022 एस्पिरेंट्स. तो आप सभी को फायदे होने वाली क्लासेस चालू हो चुकी है. मेरी टेलीग्राम पे मैं लिंक्स भेजती रहती हूँ उसकी, प्लीज़ फॉलो कीजिए. आज 12:30 को, मैं कितने दिन से अनाउंस कर रही हूँ, 12:30 to 1:30 करंट अफेयर्स का क्विज है, जो 2021 और 2022 एस्पिरेंट्स दोनों को काम का है. क्यों? क्योंकि मई 2021 से मई 2022 के करंट अफेयर सारे 2022 एस्पिरेंट्स को पढ़ने हैं, और मैं अभी फिलहाल मई 2021 के ही करंट अफेयर्स का क्विज करवा रही हूँ. और क्विज का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, इट मींस दैट आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इजी वे में याद हो जाए, या आपका इनकेस क्विज में गलत हो तो आपको इजी वे में याद रहे कि अरे हाँ मैम की क्विज में ये गलत हुआ था, एक्चुअल आंसर ये था, इंटरेस्टिंग वे में याद हो जाए, इसलिए ये क्विज है. तो सारे 2022 एस्पिरेंट्स आपको अर्ज कर रही हूँ, अभी आपके काम की स्पेशल क्लास चालू हो चुकी है, ये क्विज क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए. स्पेशल क्लास के लिए इनवाइट था, प्लस क्लासेस जो भी सारी 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है, आज मैं आपको सभी टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूँगी. आपको फॉलो करते रहना है, रोज़ एक बार एटलीस्ट चेक करिए, दिन में 2-3 बार टेलीग्राम चैनल मेरा, आपको सारी लिंक्स मिलती रहेगी. ऑलराइट, सबको समझ में आ गया. एंड गाइज, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन. थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिए. ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू. एक बार आपकी कमेंट्स देख लेती हूँ, किसी के कोई क्वेश्चंस है तो. नंदिनी सिंह, ब्रेग्जिट एक बार और बता दो. ब्रेग्जिट मतलब यूरोपियन यूनियन ने में से, जिसमें 50 साल से मेंबर था ब्रिटेन, ब्रिटेन ने एग्जिट किया. एग्जिट किया मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच में सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स, सारी रूल्स भी यूरोपियन यूनियन में डिसाइड होती थी यूरोप कंट्रीज़ की और ब्रिटेन वगैरह की, बट ब्रिटेन ने उससे एग्जिट किया कि हमें वो फॉलो नहीं करने हैं. और ये करने से ऑफकोर्स काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ अच्छे से ट्रेड नहीं कर रही है, उनको बहुत नुकसान उनकी इकोनॉमी में भी हो रहा है ब्रिटेन को, दैट्स द थिंग. अभी आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा. अमरा, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, आप ऐसा है तो रिकॉर्डिंग आगे करके देख लीजिए.
करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट नहीं दे सकती हूँ आपको, क्लासेस अटेंड करनी है सारी हम कवर करेंगे. येस देर आर जी एल सी मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट. ओके एंड प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं मुंबई के फॉर्म्स के. ऑल राइट चलो. ओके विशाल प्लीज देयर फॉर द क्विज एंड सारे 2022 एस्पिरेंट्स क्विज के लिए आ जाइए. मई 2021 की क्विज करवा रही हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए. सारी मई से लेके आपको नेक्स्ट मई तक की सभी क्विज अटेंड करनी है तो आपका स्पेशल क्लास में होता जाएगा, यूट्यूब में होता जाएगा और प्लस क्लास में दूसरे एक एंगल से भी मैं आपकी जीके कवर करवाऊंगी. तो मेजॉरिटी जीके आपका पूरे साल का 100% प्रिपरेशन हो जाए ये मैं मेक श्योर करूंगी. पर इसके लिए आपको रेगुलरली अभी से क्लास अटेंड करनी है. प्लस वाली क्लास के लिए सब्सक्रिप्शन भी लेना है और उसके लिए मेरी कोड निधि लाइफ कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा. ओके चलो बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच. वर्केश्वर इज आस्किंग क्विज कब है. 12:30 to 1:30 मेरा रेगुलर टाइम है, रोज़ यही टाइम पे लेती हूँ. 12:30 to 1:30 मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे चार दिन होती है. ठीक है आज भी होगी कल भी होगी नेक्स्ट वीक में जून भी स्टार्ट हो जाएगा आपका जून 2021. तो अभी 2022 एस्पिरेंट्स को रेगुलर अटेंड करनी है. ठीक है कशिश इट इज़ अ स्पेशल क्लास अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए. आपके प्ले स्टोर में जाइए फ़ोन के अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए. उसमें निधि ध्रुव सर्च कीजिए आपको मेरी क्लास मिल जाएगी स्पेशल क्लास. और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए ना, उस पर मैं लिंक भी भेजूंगी उससे भी आप ज्वाइन कर पाओगे. बट एक अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और निधि लाइफ कोड डाल देना, उसमें पैसा कुछ नहीं लगेगा. जस्ट एंटर करने के लिए कोड पूछेंगे, निधि लाइफ कोड डाल दो एंड देन आप एंटर करो एंड मेरी क्लास देख लो. स्पेशल वाली, स्पेशल मतलब फ्री वाली क्लास है तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर वो क्विज हो रही है. ठीक है समझ में आ गया कशिश. विर्केश्वर नो स्पेशल क्लास है मतलब प्लस स्टूडेंट्स के लिए नहीं, फ्री वाली क्लास है, सभी स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं. विशाल सिंह टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक बेटा अभी देना अलाउड नहीं है, ये कुछ कॉपीराइट का प्रॉब्लम है. सो निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर ये मेरे ही टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च कीजिए पब्लिक चैनल आसानी से मिल जाएगा. ठीक है हिमांशी आपका क्वेश्चन क्या है, जीएलसी मुंबई भी क्लैट से होता है क्या. नहीं जीएलसी मुंबई एमएचसीटी से होता है बेटा. ऑलराइट डन एवरीवन. चलो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो